वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल उर्दू बाल भारती चौथी जमात। आज हम देखेंगे सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। इस सबक के सवाल व जवाब। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। सबसे पहले हम देखेंगे इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी। बहतेरा के मानी होते हैं बहुत, अच्छा खासा के भी मानी होते हैं बहुत। मकान का रुख किया, इसके मानी होते हैं मकान की तरफ गई। शेखी के मानी होते हैं घमंड या गुरूर। बस की नहीं के मानी होते हैं काबू में न आने वाली। अब हम देखेंगे इस सबक की मश्क। मश्क, सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, किसान का नाम क्या था? इसका जवाब है, किसान का नाम मनसा था। सवाल नंबर 2, किसान की बीवी क्या पका रही थी? इसका जवाब है, किसान की बीवी पूरिया पका रही थी। सवाल नंबर 3, बावर्ची खाने में कौन आया? इसका जवाब है, बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू आया। सवाल नंबर 4, पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? इसका जवाब है, पूरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। सवाल नंबर 5, भट के अंदर कौन बैठा था? इसका जवाब है, भट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। सवाल नंबर 6, पूरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? इसका जवाब है, पूरी की तलाश में कुत्ते जमीन सूंघते फिरते हैं। अब सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, पूरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी? इसका जवाब है, पूरी को किसान की बीवी पर गुस्सा आया कि उसने उसका जरा ख्याल न किया और बुद्धू की नाक पोछने में लग गई, जिसकी वजह से वो जल गई, इसलिए वो कढ़ाई से निकलकर भाग गई। सवाल नंबर 2 है, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ क्या हुआ? इसका जवाब है, पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहाँ एक भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी उसे खाने का इरादा किया, मगर पूरी उनके हाथ नहीं आ रही थी। आखिर कुतिया ने बड़ी होशियारी से आधी पूरी हप कर ली और बची हुई आधी पूरी भाग कर जमीन में घुस गई। अब सवाल है, सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। जुमला नंबर 1 है, किसी गांव में एक खाली जगह अपनी बीवी के साथ रहता था। खाली जगह में लिखना होगा किसान। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। जुमला नंबर 2 है, मनसा के खेतों में खाली जगह की फसल खूब हुई थी। खाली जगह में आएगा गेहूं। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी। जुमला नंबर 3 है, खेत से निकलकर खाली जगह को एक खरगोश मिला। खाली जगह में आएगा पूरी। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। जुमला नंबर 4 है, उन्होंने भी खाली जगह किया कि इस पूरी को चट कर ले। खाली जगह में आएगा इरादा। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। अब सवाल है, बताइए जेल के जुमले किसने कहे? यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं वो किसने कहे आपको लिखना है। जुमला नंबर 1 है, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियां खिलाना। ये जुमला किसान ने कहा। जुमला नंबर 2 है, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं। ये जुमला पूरी ने कहा। जुमला नंबर 3 है, तेरी शेखी का मजा तुझे चकाती हूँ। ये जुमला लोमड़ी ने कहा। जुमला नंबर 4 है, बी पूरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। ये जुमला कुतिया ने कहा। अब आखिर में है सरगर्मी। 5 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है, नंबर 1 शेर, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 हिरन, नंबर 4 लोमड़ी और नंबर 5 भालू। इसके अलावा आप जिन जंगली जानवरों के नाम जानते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, यहाँ पर पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी इस सबक के सवाल व जवाब मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप इन सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।